हेलो गाइस, दिवाली का मौका है और मेरे साथ है आदित्य नारायण, जो इस दिवाली के सेलिब्रेशन को और भी सुरेला करने वाले हैं। वेलकम टू टेली मसाला आदित्य। थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? हैप्पी दिवाली आपको। थैंक यू। मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। वैसे ये जो दिवाली है, हम आपके घर आए हैं जी। बहुत बैचलर पैड है आज। दिस इज माय बैचलर पैड। घर मम्मी पापा के उधर है, बट जो बैचलर वाले काम होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, मतलब दोस्त यार के साथ। और मेरा एक छोटा सा स्टूडियो भी है यहाँ पे जी। अच्छा, दिवाली का मौका है आदित्य, तो किस तरह आप सेलिब्रेट करते हो घर पे ही? यहाँ पे तो कुछ नहीं, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी, जैसे आप देख रहे हैं कि यू नो भगवान को याद किया जाता है, थोड़े दिए जलाते हैं हम, थोड़ी सी आरती फूल वूल चढ़ाते हैं। और जो मेन सेलिब्रेशन होता है वो फैमिली होम में होता है, वहाँ पे जो हमारी लीडर हैं मम्मी जी सब कुछ करती हैं, और मैं और पापा जो हैं वो मम्मी के असिस्टेंट होते हैं, तो जो कुछ भी हमको बोला जाता है करने के लिए वो हम करते हैं। वो एक थाली में सारे दिए जलाने बोलती हैं, फिर उसको पूरे घर में लगाने बोलती हैं। फिर ऑब्वियसली पूजा होती है, और पूजा में भी वो जो भी हमको पाठ पढ़ने होते हैं वो भी लिख कर दिए जाते हैं हमको, क्योंकि मुझे याद नहीं रहते हैं। और दिवाली में मोस्टली तो हम वही है कि फैमिली के साथ और यू नो फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वंस के साथ समय बिताते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पत्ते वत्ते भी खेलते हैं, और थोड़े बहुत ऐसे फुलझड़ी उलझड़ी जलाते हैं घर पे, और बहुत सारी चिलिंग होती है बेसिकली। पूजा वूजा जब ख़त्म हो जाती है तो सब मूड में आ जाते हैं। या इट्स अ सेलिब्रेशन, एंड यू नो इट्स वन ऑफ दोज डेज जहाँ पर यू नो ज़्यादातर लोग काम नहीं लेते हैं और अगले दिन भी थोड़ा फ्री रखते हैं, क्योंकि सबको पता है कि दबा के खाना पीना होने वाला है। मुझे मीठे का बहुत शौक है, तो दिवाली इज़ द यू नो मेन फेस्टिवल फॉर इंडियन स्वीट्स खास करके तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं दिवाली के दिन रोज़, आप मेरा ट्रेडमिल देख रहे हैं अगर, तो मैं हर दिवाली की शुरुआत मेरी ट्रेडमिल पे होती है। मैं 2 घंटा भागता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना खाने वाला हूँ। इस साल की दिवाली आदित्य के लिए कितनी स्पेशल है? हर साल की तरह बिल्कुल ये साल भी स्पेशल है, एंड यू नो मैं यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड ऑल बी ग्रेटफुल। हमको थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव। आई थिंक लोग बहुत फोकस करते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, हमें हमेशा उस चीज़ पे या उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो हमारे पास है। यू नो देर आर बिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनको बेसिक नेसेसिटीज़ तक शायद मिलने में मुश्किल होती है। हमारे पास सब कुछ है, घर है, क्या गाड़ी है, बंगला है, माँ है, वी हैव एवरीथिंग। सो यू नो अगर आपके पास खाने के लिए खाना है, इफ़ यू हैव अ रूफ ओवर योर हेड, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं खर्च करने के लिए, और अगर आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली है और दोस्त यार हैं, तो आप अमीर हैं, यू नो यू आर रिच। आई थिंक जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि फॉर्चून जो है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं होती है, वो आपके घर पे होती है। कि यू नो देर हाउ मेनी पीपल, कितने लोग हैं जो आपके बारे में केयर करते हैं और जिनके बारे में आप केयर करते हैं। तो या दिस ईयर हैज़ बिन अमेजिंग, इट्स बिन ग्रेट। आई थिंक पिछले 2-3 सालों से इन टर्म्स ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ यू नो हर साल बढ़त होती जा रही है, तो ये मेरे लिए तो खुशी की बात है। मेरे पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है, दे फील वेरी प्राउड ऑफ मी कि यू नो लड़का कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है। एंड या सो दिवाली इज़ जस्ट अ फेस्टिवल जहाँ पर मैं यू नो आई प्रे टू माई गॉड, और मैं उनको थैंक करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे दोस्त दिए, और इतने सारे मौके देते हैं हर साल यू नो टू शो माई capabilities, and that's all. इससे ज़्यादा क्या मांग सकते हैं हम जी। अच्छा आदित्य, we have a small Diwali quiz for you. मतलब दिवाली से related, okay, दिवाली से related जो भी सारी चीज़ें होंगी उनके नाम मैं आपको बताऊँगी, आपको इंडस्ट्री से बताना है कि वो किस से रिलेट होगा। अच्छा ठीक है ठीक है। फर्स्ट इज धमाकेदार लाफ। धमाकेदार लाफ, मेरे पापा, उनकी लाफ सुनी है आपने कभी? ऐसे हंसते हैं वो, आई लव हिज लाफ, ही इज गॉट वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लाफ्टर्स एवर। और जब वो दिल खोल के हंसते हैं ना, तब तो उनकी हंसी सुन के ही हंसी आती है। ओके,
सेकंड इज एटम बॉम्ब. एटम बॉम्ब कौन है? एटम बॉम्ब रणवीर सिंह इज एन एटम बॉम्ब डेफिनेटली. ओके या और टेलीविजन में? टेलीविजन के एटम बॉम्ब भारती सिंह, रणवीर सिंह और भारती सिंह. भारती सिंह तो दिखती भी छोटी सी प्यारी सी एटम बॉम्ब, मेरी प्यारी बहन. काम दीवा. हाँ जी दीवा. काम दीवा मतलब काम यानी शांत दीवा के काम दीवा. शांत दीवा काम दीवा. अब तो सारी दीवा शांति है. ये फिल्म के लिए चाहिए आपको या टीवी के लिए चाहिए? काम सारे काम है. दीपिका बहुत काम है. शी इज लाइक काम, शी इज अ काम दीवा. कटरीना इज अ काम दीवा. एंड टेलीविजन में कौन है काम दीवा? लॉट ऑफ देम यार, ऑल ऑफ देम आर आई थिंक काम दीवास. आई थिंक श्रद्धा, श्रद्धा आर्य इज अ काम दीवा. या डेफिनेटली. नेक्स्ट इज योर फेवरेट लड्डू. माई फेवरेट लड्डू ऑल लड्डूज. आई डोंट डिस्क्रिमिनेट, यू नो ऑल लड्डूज आर द सेम फॉर मी. आई लव देम इक्वली. लड्डू हर चीज में सबसे प्यारा लगता है. लड्डू की याद मुझे विशाल डडलानी जी को देख के आती है. बिकॉज हिज टॉप स्टार्ट्स लाइक अ लड्डू नो. एंड देन अब तो वो पतले हो गए हैं, कीटो डाइट वाइट करके फिट हो गए हैं वो. बट या आई थिंक विशाल जी, क्योंकि मैं भारती का नाम ले चुका हूँ इसीलिए. नेक्स्ट इज रॉकेट. रॉकेट मैं, मुझे खुद की याद, मैं हूँ ही रॉकेट. फटाका हूँ मैं, फटाका. ओके फुलझड़ी. फुलझड़ी कौन है? फुलझड़ी नेहा कक्कड़. या फुलझड़ी छोटी सी प्यारी सी भी है वो. ओके नेक्स्ट इज अनार. अनार नोबडी कमिंग टू माइंड. माय मदर इज एन अनार. चलो मम्मी छोटी सी है बट फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ. या ऑन दैट नोट, जैसे कि आपने कहा एक छोटी सी पूजा करते हैं, सो शुड वी स्टार्ट? क्या प्रिपरेशंस है आप बताएंगे? बहुत ही नॉर्मल प्रिपरेशंस है. और इनफैक्ट ये जो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, ये सब मैं कॉपी कर रहा हूँ. ये कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, मैं मम्मी से कॉपी कर रहा हूँ. तो उनको देख देख के मैं जो थोड़ा बहुत सीखा हूँ. और मम्मी यही बोलती हैं कि भले ही ये बैचलर पैड है बट ये एक पैड है, तो घर घर होता है, तो हर घर में आपको हमेशा, यू नो बिकॉज इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो कम से कम इतना तो आप, हाँ थोड़ा सा एक पूजा करके थोड़ा सा लाइट जला दो आप, यू नो आप हमारे बेटे हो. एक ये इंडियन ट्रेडिशंस हैं, ये हमारे कल्चर है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ. सबसे पहले चप्पल निकालिए वरना मम्मी से चपेट पड़ेगी आपको. जनरली जो है फूल राइट हाथ से डालते हैं, बट मैं लेफ्टी हूँ इसीलिए ये मेरा करेक्ट वाला हाथ है, इसीलिए मैं लेफ्ट हैंड से डालता हूँ. अमेजिंग सी पूजा की, आई एम श्योर मम्मी बहुत खुश हो जाएगी ये सब देखकर. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी हमेशा खुश रहती हैं जब भी वो मुझे यू नो घर के कोई काम करते हुए देखती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर ओनली सन, तो वो मुझ में एक बेटी भी ढूंढती है कभी कभी. वो हमेशा मुझे बोलती रहती है यू माई सन एंड डॉटर बोथ. कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इसका क्या मतलब निकालूँ, बट आई थिंक दिस इज व्हाट शी मींस. या
अच्छा लास्टली अपने फैंस को दिवाली विश देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे इस दिवाली? बिल्कुल, सबसे पहले तो सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सबसे पहले तो मेरा नया सिंगल सुनिए जिसका नाम है लिल्ला, जो अभी भी रिलीज़ किया है। इट्स द फर्स्ट टाइम मैंने इंडिपेंडेंटली एक गाना और म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ किया है। सेकेंडली, आई होप कि आप सब इस दिवाली को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वंस के साथ स्पेंड करें और उन आपको ये मौका मिल रहा है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि यू नो, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। कहीं कहीं यू नो वी एसोसिएट दिवाली विथ फायर क्रैकर्स, लेकिन ये फेस्टिवल ऑफ फायर क्रैकर्स नहीं है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए जितना हो सके कि फायर क्रैकर्स आप कम बर्स्ट करें। आई थिंक वो 5 सेकंड का मज़ा होता है, बट फेस्टिवल्स आर ऑल अबाउट यू नो स्पेंडिंग टाइम विथ योर लव्ड वंस। तो यू नो उनके साथ समय बिताएं, ढेर सारा खाना खाएं, पिए, ऐश करें, गेम्स खेलें, नाचें गाएं, बातें करें, एंड यू नो इट्स not really good for the environment to burst so many firecrackers. और you know, हमको as Indian citizens, as global citizens, एक responsibility लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी responsibility है इस दुनिया को preserve करके प्यार से रखने की, ताकि हमारे आने वाली बहुत सारी generations इस दुनिया को देख सके, enjoy कर सके और इन सारे festivals को मना सके हमारी तरह। ये जो आपका इको फ्रेंडली दिवाली मैसेज है, ये आई एम श्योर इल रीच अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, एंड हैप्पी दिवाली टू यू, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सिंगल एंड गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच। विद कैमरा पर्सन गौरव, दिस इज नेहा अंतानी फॉर टेली मसाला।